एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। खबर मेरठ से है, वहां पर सीबीआई अधिकारी बनकर छात्रों से ठगी करने वाले एक ठग को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि निक्की ढिल्लन नाम का शख्स अपने एक साथी के साथ छात्रों से नौकरी के नाम पर पैसे ठगा करता था। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने जाल बिछाकर ठग को पकड़ लिया। हालांकि एक साथ भागने में वो कामयाब रहा। पुलिस को आरोपी के पास से 70,000 रुपये, एक दर्जन मार्कशीट्स और कई कागज बरामद हुए। आरोप है कि अब तक फर्जीवाड़े के जरिए लोगों से ये लाखों रुपए ठग चुका है। एक निखिल नाम का अभियुक्त जो कि अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताकर फर्जी नौकरी देने के नाम पे लोगों से पैसे लेकर ठगी करता था, उसको पकड़ा है। साथ में 70,000 रुपये, फेक आईडी कार्ड, कुछ कागज़ और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। सर, अब तक कितने लोगों से ठगी कर चुका है? अभी तक जितनी पूछताछ हुई इसमें इसने तकरीबन 8-10 लोगों का नाम बताया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और उससे जुड़े बाकी पर्यटन स्थलों को देश भर के सैलानियों को जोड़ने के लिए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से एक ट्रेन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से केवड़िया को जोड़ेगी। ये ट्रेन हर गुरुवार की सुबह 5 बजे वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से चलकर शुक्रवार की सुबह 9:15 पर केवड़िया स्टेशन पहुंचेगी, जबकि वापसी में मंगलवार की शाम 6:55 पर केवड़िया से चलकर बुधवार की रात 11:10 पर वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी से केवड़िया तक के सफर के बीच कुल 11 स्टॉपेज होंगे। वाराणसी से चलकर यह ट्रेन प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, अमलनेर, नंदूरबार, सूरत, भरूच और वडोदरा होते हुए केवड़िया पहुंचेगी। इसके अलावा 7 और ट्रेनें चलाई जाएंगी जो केवड़िया को दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। और चलिए अब आपको केवड़िया लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं केवड़िया रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही 8 ट्रेनों के स्वागत को लेकर क्या तैयारी है। इसकी विशेषता मैं अगर बताऊं तो यहां पे जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है वो पूरा एक ओर से दूसरी ओर घूम सकता है, ताकि ग्रुप में जो प्रवास करने वाले लोग हैं वो एक ही ग्रुप में बैठ सकें, इस प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। साथ ही आप विंडो देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट कांच यहाँ पे शीशा दिया गया है, जिसकी मदद से लोग बाहर का नज़ारा अच्छी तरह से देख पाए, इसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। साथ ही यहाँ पे एक और विशेषता यह है कि यहाँ पे अगर जो प्रवासी नाश्ता करना चाहे तो वो भी ठीक तरह से कर पाए, उस लिए यहाँ पे ये स्टैंड दिए गए हैं। 2 स्टैंड है, अलग अलग 2 सीट है वहाँ पे, ताकि जो इस ट्रेन में प्रवास करने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से अपना प्रवास कर सके। साथ ही ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन दिया गया है जहाँ पे जो ट्रेन कहाँ पहुँची है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा भी देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो लगेज के लिए रेक यहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि जो प्रवास करने वाले लोग हैं वो भी अपना सामान अच्छी तरह से यहाँ पे रख पाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था पूरी जो विस्टाडोम कोच है शताब्दी एक्सप्रेस का वहाँ पे की गई है। तो ये भारत में निर्मित कोच है, तो सबसे पहला इस प्रकार का कोच का निर्माण किया गया है। दूसरी विशेषता आपको बताने के प्रयास करें तो फायर सेफ्टी का यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है, डस्टबिन भी यहाँ पे है, और उसके दरवाजे की अगर बात करें तो दरवाजा भी ऑटोमेटिक है। तो कुछ इस प्रकार की खास व्यवस्था है विस्टाडोम कोच में। बड़ी खबर वाराणसी से, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का यूपी सरकार पर हमला। जी हां, योगी सरकार पर अजय लल्लू ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में 40 बड़े घोटाले गिनाए हैं लल्लू ने। सबको फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए, यह बात भी कही है। और वैक्सीन पर भ्रांति है तो मुख्यमंत्री टीका लगवा कर उसे दूर करें, यह बयान भी दिया है अजय लल्लू ने। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। पूरी कांग्रेस पार्टी एक सुर में है, एक लय में है। वैज्ञानिकों का सम्मान है, स्वागत है, उन्होंने मेहनत करके इस वैक्सीन को बनाया, इसके लिए बधाई और शुभकामना। ये जरूरत थी आपदा के समय वैक्सीन की, लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार का यह धर्म है कि सबको मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था उपलब्ध कराए।
जो सरकार नहीं करा पा रही है। अगर कोई भ्रांति है, किसी तरह का कोई मामला है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि लोगों को और जागरूकता बने और निश्चित रूप से भ्रांतियां दूर हो। तो इसकी शुरुआत तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर को करना चाहिए। लखनऊ में रफ्तार का कहर दिखाई दिया, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के चलते हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में आ गई है मुंशी पुलिया पुलिस चौकी और बाल बाल बचे हैं पुलिसकर्मी। लखनऊ से बड़ी खबर, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग की वजह से जो हादसा हुआ उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। मुंशी पुलिया पुलिस चौकी इस ओवर स्पीडिंग करने वाले ट्रक की चपेट में आ गई और इसके अंदर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो बाल बाल बच गए। लखनऊ से खबर, तस्वीरें देखिए आप, बाल बाल बचे हैं मुंशी पुलिया पुलिस चौकी के अंदर तैनात पुलिसकर्मी। और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग डिपार्टमेंट के एक स्टाफ ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना कॉलेज प्रशासन ने फौरन पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बताएं कि बीते 14 जनवरी को इसी अस्पताल में एक कोरोना मरीज ने चौथी मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।